चलिए तो बच्चों, आज का हमारा हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। चलिए लिखना शुरू कीजिए। देखिए, ईच एक्टिन फिलामेंट। अच्छा, एक्टिन और मायोसिन तो याद है ना आप लोगों को, जो लास्ट क्लास में थे उनको तो याद होगा ही, जो नहीं थे वो देख लिए होंगे रिकॉर्डिंग। कल तो बहुत कुछ था, आज इतने सारे लोग हैं, कल सिर्फ दो लोग थे ना, कौन कौन था कल? हम आफरीन थी फर्स्ट वाले में और ना ये आफरीन थी तुम लास्ट तक, आखिरी। ये भी आई और ज्वाइन करके निकल गई थी। खैर, कल तो बहुत सारा मशीन ये सब भी दिखाए, बट कोई नहीं। थिन फिलामेंट, एक्टिन इज थिन फिलामेंट और मायोसिन को थिक फिलामेंट बोलते हैं। मायोसिन इज थिक फिलामेंट। एक्टिन का ना दो कोई टाइप की पीडीएफ होती है, लिखे थे क्या? वो थोड़ा लिखना। देख लो, एक्टिन को दो नाम देते हैं हम लोग, मतलब एक्टिन का दो टाइप होता है, दो नाम देते हैं, एक्टिन का दो टाइप होता है। ये भी यही लिख लो, बाद में तो आगे बढ़ेंगे। एक बोलते हैं जी एक्टिन, जी एक्टिन यानी ग्लोबुलर एक्टिन, ठीक है, ये मोनोमेरिक है, ठीक है, ये है मोनोमियर। मोनोमियर यानी एक है, जब पॉलीमराइज करता है तो बनाता है एफ एक्टिन। एफ एक्टिन यानी फिलामेंटस एक्टिन, ठीक है, ये सब आगे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम लिख देंगे, ऐसे ही शिफ्ट कर देते पॉलीमराइजेस टू फॉर्म, पॉलीमराइजेस टू फॉर्म एफ एक्टिन, ठीक है। एक्टिन में दो टाइप हो गया, जी एक्टिन और एफ एक्टिन। जो जी एक्टिन है दैट इज ग्लोबुलर एक्टिन, ये मोनोमियर है, और जब ये पॉलीमराइज करता है तो बनता है एफ एक्टिन। एफ एक्टिन यानी फिलामेंटस एक्टिन। आगे बढ़ते हैं, लिखिए पहला पॉइंट, ईच एक्टिन फिलामेंट, ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड ऑफ टू फिलामेंटस, इज मेड ऑफ टू एफ, एफ यानी फिलामेंटस, टू एफ यानी फिलामेंटस एक्टिंग हेलिकली वाउंड टू ईच अदर, हेलिकली वाउंड टू ईच अदर, हेलिकली वाउंड यानी एक दूसरे की तरफ। ये आपके पास दिखाई देता फिलामेंट, यस मिल गया, ये डायग्राम दिख रहा है? डायग्राम दिख रहा नहीं दिख रहा, जल्दी बताओ। कैसे हाँ, इस डायग्राम में देखो, ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा पूरा एफ एक्टिन है, एफ यानी फिलामेंटस। देखो, ये जो एक गोल दिख रहा है तुमको, इसको बोलेंगे जी एक्टिन। ध्यान करो, अभी अभी जस्ट दिखाए थे, एक्टिन का दो टाइप होता है, जी और एफ।
जी जो है वो ग्लोब्यूलर है, यानी गोल गोल होगा ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में, और वो एक को बोलते हैं। जब वो पॉलीमराइज करता है बहुत सारे ग्लोबुलर एक्टिन आपस में जुड़ता है, देयर फॉर्म्स एफेक्टिन, एफेक्टिन यानी फिलामेंटस एक्टिन। लुक एट दिस, ये पूरा एक लंबा सा है, देख रहे हो, इसको बोले एफेक्टिन क्योंकि ये फिलामेंट के फॉर्म में। देखो ये भी एफेक्टिन है और ये जो ऊपर में दिख रहा है ये भी एफेक्टिन है, और दोनों आपस में सांप की तरह आपस में उलझा हुआ ऐसे करके, समझ रहे बात, देख रहे हो, ये ऐसे है और ये वाला ऐसे है, समझ में आ रहा है कैसे उलझा हुआ है। इसी को बोलते हैं हेलिकली वाउंड, एक दूसरे पे ऐंठा हुआ जैसे तार ऐंठता है। मिल गया, समझ गया नहीं समझे, ये बताओ। अरे वो फिर से बताइए। हेलिकल यानी देखो एक ऐसे था और दूसरा वाला उसी पे ऐसे था, देख रहे हो एक दूसरे के ऊपर कैसे ऐंठ दिए हैं, जैसे तार, जैसे मान लो मेरे पास दो तरह का तार हो, चलो देखो चार से समझो, एक दो तार है, इसको एक दूसरे के ऊपर ऐसे, समझ में आ रहा है ये कैसे एक दूसरे के ऊपर ऐड दिए हैं, देखो इसी तरह से इसको बोलते हैं हेलिकली वाउंड, अच्छा सीधा था इसको एक दूसरे पे ऐसे, ये हेलिकली वाउंड। चलो पेन, तो दो एक्टिन फिलामेंट आपस में हेलिकली बाउंड होते हैं। आगे देखो हेलिकली बाउंड, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ईच एफ एक्टिन इज, ईच एफ एक्टिन, ईच एफ एक्टिन इज अ मोनोमर ऑफ, इज एफ का मतलब होता है फिलामेंटस, ईच फिलामेंटस एक्टिंग इज अ मोनोमर, इज अ मोनोमर ऑफ जी एक्टिंग, जी यानी ग्लोबुलर ग्लोब्यूलर एक्टिंग। ईच एफ एक्टिन इज अ मोनोमर ऑफ जी यानी ग्लोब्यूलर एक्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, टू फिलामेंट, टू फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन, टू फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन, टू फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, टू फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन ऑल्सो रन क्लोज टू एफेक्टिन, ऑल्सो रन क्लोज टू एफ एक्टिन, एफ एक्टिन यानी फिलामेंटस एक्टिन। देखो ध्यान से इस डायग्राम को देखो, देख रहे हो एक ट्रोपोमायोसिन भी दिख रहा होगा आपको, तो नॉर्मल जो मेरा था उसके ऊपर एक ट्रोपोमायोसिन का भी एक लेयर, देखो वो भी देखो दो है, एक ऐसे और दूसरा वाला ऐसे, तो दो एफेक्टिन दो ट्रोपोमायोसिन, समझ रहे बात, दो एक्टिन और दो ट्रोपोमायोसिन, ये दोनों का ही लेयर है, दो एक्टिन और दो ट्रोपोमायोसिन। आगे, टू फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन ऑल्सो रन क्लोज टू एफेक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ, थ्रू आउट इट्स लेंथ। थ्रू आउट इट्स लेंथ, ये पूरे उसके लेंथ पे फैला हुआ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह पे, पूरे पे, थ्रू आउट इट्स लेंथ। थ्रू आउट इट्स लेंथ विच हैज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, विच हैज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, विच हैज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन,
ट्रोपोनेन डिस्ट्रीब्यूटेड एट इट्स रेगुलर इंटरवल, डिस्ट्रीब्यूटेड एट इट्स नॉर्म रेगुलर इंटरवल। जरा समझना, इस पूरे में देखो नॉर्मली दो लेयर ऑफ एक्टिन है। देखो एक लेयर ये वाला है, दूसरा लेयर, समझ में आ रहा है? दो लेयर ऑफ एक्टिन है। सर आपका पेन नहीं दिख रहा। ठीक अच्छा अभी दिख रहा है, हेलो। है, हाँ तो ये देखो, ये एक एक्टिन है और ये दूसरा एक्टिन का लेयर है, समझ में आ रहा है? टू लेयर ऑफ एक्टिन। उसी तरह टू लेयर ऑफ ट्रोपोमायोसिन, एक लेयर और ये वाला है दूसरा लेयर। बोलो दिक्कत यहां तक? दो लेयर ऑफ एक्टिन और दो लेयर ऑफ ट्रोपोमायोसिन मिल गया। इस ट्रोपोमायोसिन पे रेगुलर इंटरवल पे, एक खास दूरी पे ट्रोपोनिन है। देखो यहां पे है, फिर यहां पे है, फिर यहां पे, समझ में आ रहा है? तो दो एफेक्टिन, एफेक्टिन यानी फिलामेंटस एक्टिन, दो ट्रोपोमायोसिन का लेयर, और उस ट्रोपोमायोसिन के लेयर पे रेगुलर इंटरवल में ट्रोपोनिन। अभी बताइए कोई दिक्कत? बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत यहां तक में? नो सर, नहीं आगे बढ़े? मैं बहुत नॉइजिंग हो रहा है आपके बैकग्राउंड पे। हो रहा है, फैन चल रहा है, 2 मिनट में बंद ठीक है अभी तक? यस सर। ऑन एक्टिन फिलामेंट, ठीक है? रेस्टिंग फेज में, यानी जब बॉडी में और कुछ नहीं हो रहा होगा, सब कुछ नॉर्मल है, उस वक्त ये जो हमारा ट्रोपोनिन है, ये ट्रोपोनिन मास्क करता है एक्टिन फिलामेंट के ऊपर। असल में ये एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो मायोसिन का बाइंडिंग साइट है, मान लो अगर ये एक्टिन है तो इसके ऊपर अगर ये मायोसिन है, मायोसिन, तो इसका यहाँ पे मान लो अटैचमेंट होना था, यहाँ पे इनका एफिनिटी था, और इस वाले को छुपा के रख दिया, मास्क यानी छुपा दिए, ढक दिए, ढक दिए। तो इस ढकने की वजह से ये जो ढका वो है ट्रोपोनिन, जिस पे ढका हुआ है एक्टिन, और जिससे बचाने के लिए ढका हुआ है मायोसिन। इस लाइन का यही मतलब है, समझ में आया? बोलिए बोलो। कोई नहीं आया डाउट सर, तो बताओ, नहीं आया समझ में? नहीं। सुनो इस लाइन को फिर से पढ़ो। रेस्टिंग फेज में, यानी जब कॉन्ट्रैक्शन मसल का नहीं हो रहा है, तब एक ट्रोपोनिन का सब यूनिट, यानी ट्रोपोनिन का एक पार्ट बाइंडिंग साइट, अच्छा एक्टिव बाइंडिंग साइट समझते हो? नो सर, नहीं, अगर तुम ऐसे सोचो कि ये जो हमारा ताला चाबी वाला कंसेप्ट है, क्या चाबी ताला में आप कहीं भी डाल सकते हो, या उसका जो फिक्स्ड पोजीशन होता है जहां से की अंदर जाता वहीं जाता है, ये बताओ? फिक्स पोजीशन सर। फिक्स्ड पोजीशन है, यानी उसी तरह इंजाइम और सबस्ट्रेट में भी होता है। कोई इंजाइम या कोई सबस्ट्रेट जब भी आपस में बाइंड कर रहा होता है तो एक फिक्स्ड जगह होता है, एक फिक्स्ड साइट होता है जहां पे ये एक दूसरे में बाइंड होगा, एकदम फिक्स्ड।
ठीक है, और ये एकदम फिक्स्ड साइट पे जहां पे कि मायोसिन एक्टिन से जुड़ता, वो जगह एकदम फिक्स है। अब उस जगह पे मायोसिन जहां जुड़ता एक्टिन से, उसको ढक दिया है ट्रोपो ने ताकि जुड़ नहीं पाए, समझे बा? जैसे 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 भाई, हाँ चलो ठीक है, ये मेरा नॉर्मल फोन, ये नॉर्मल फोन, और ये उसका एक चार्जिंग पॉइंट है जो यहां से अंदर जा रहा है, ठीक है। मान लो ये है एक्टीन जिसके अंदर जा रहा है, ये है मायोसिन जिसको अंदर जाना है, ठीक है, बाइंड करना है इनसे। अब अगर हम इस एक्टीन को ऐसे ढक दें किसी भी कवर से, तो क्या ये मेरा मायोसिन जो है वो उससे अटैच हो पाएगा, ये बताओ? नो सर, नहीं नहीं। हो पाएगा। एग्जैक्टली यही चीज है, अगर ये दोनों अटैच हो गया तो आप ये जो है देखो, इसका लेंथ घट गया, पहले इतना लंबा था, अब ये अटैच हो गया तो इसका लेंथ घट गया। सेम वही चीज होता है, मायोसिन और एक्टिन आपस में इसी तरह से अटैच होते हैं, और जहां से अटैच होगा उसी जगह को ढक देता है ये प्रोटॉन, ठीक है? बोलो बोलो, हेलो हेलो। यस सर, यहां तक कोई दिक्कत? नो ठीक, सर। तो ये एक्टिन, सॉरी, एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट में क्या डिफरेंस है? एटीपी, ये जुड़ने के लिए एनर्जी भी चाहिए, तो एनर्जी कहां से मिलेगा? तो जहां पे एटीपी जुड़ता है, जहां से एटीपी जुड़ेगा और एनर्जी देगा, तो एटीपी बाइंडिंग साइट से एटीपी जुड़ेगा और एक्टिन बाइंडिंग साइट से सिर्फ एक्टिन जुड़ेगा, ठीक है? बोलो। ठीक है। ठीक, चलिए आप सब लोग एनसीईआरटी पेज नंबर 306 खोल दीजिए, वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम दूसरा लिंक भेज रहे हैं।